वैसे तो लगभग लड़कियां मेरे लिए लकी रही हैं, बट लुलिया के साथ काम करके मुझे एक चीज़ गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि यंग लड़कियों में जितनी भी लड़कियां आई हैं हमारी इंडस्ट्री में, मैं इनसे कम से कम 2 साल तो सीनियर हूँ। इनको आए हुए 1 साल हुआ, मुझे आए हुए 3 साल हुआ, तो 2 साल सीनियर हूँ मैं, और उम्र में भी सीनियर हूँ और तजुर्बे में भी सीनियर हूँ। लेकिन इतना कहूँगा कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, मुझे प्राउड होता है लुलिया का अभिनय देख करके। और लुलिया तो एक गाना है जो हिट हुआ है, हमारी निधि झा बेहद ही उम्दा अभिनेत्री हैं, एक अच्छी इंसान हैं ये, और गणपति बप्पा इनको बहुत सारी कामयाबी दें। हमारी पहली फिल्म थी मोहब्बत जिंदाबाद, उस समय हमारी फिल्म बन रही थी कसम पैदा करने वाले की। मोहब्बत जिंदाबाद में जब मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा, मैंने कहा वाह यार, यश कुमार तुमको जो चोरनी चाहिए वो यही लड़की है। तो मैंने फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहा कि देखिए जी ऐसा ऐसा है और मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को साथ में आप ले लीजिए उस फिल्म में, तो उन्होंने माना। हम लोगों की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में दिलीप भैया ने, प्रदीप सिंह जी ने सामने से हम लोगों को कास्ट किया एक दूसरे के साथ। और एक फिल्म हम लोग बहुत जल्दी अभी और साथ में करने वाले हैं, टाइटल अभी उजागर नहीं कर रहा हूँ मैं, कि हम लोग स्क्रीन जोड़ी है जो वो बहुत अच्छी है और काम भी एक दूसरे के साथ बड़े घुल मिल के करते हैं, मज़ा आता है। ऐसा लगता नहीं कि मैं किसी अनजान लड़की के साथ काम कर रहा हूँ, और अनजान है नहीं तो क्यों काम करूँगा मैं। सो शी इज़ वेरी नाइस एंड ईश्वर इनको बहुत कामयाबी दें। और लुलिया जिस तरीके से 2 साल में 1 साल में अपनी जगह बनाई है, उस तरीके से भगवान इनको और भी आगे लेकर के जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया। लुलिया नाचे ले लुलिया का मांगे ले, कि लुलिया नाचे ले लुलिया का मांगे ले, कि लुलिया यो सकुमार जस भतार मांगे ले। हम लोग जब प्रमोशन में गए थे तो सब लोग यही बोलते थे भैया यश भैया गाना, तो हम यही गाते थे और बड़ा पब्लिक पसंद करती थी। तो बेस्ट ऑफ लक डियर लुलिया, थैंक यू सो मच।